बॉलीवुड कॉकटेल। सो फाइनली राकेश शर्मा के बायोपिक से रिलेटेड कुछ न्यूज बाहर आ रही है। यस, एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा पर बायोपिक बनने वाली थी, ये न्यूज पिछले साल से ही है, मगर इस फिल्म के लिए कुछ भी कॉन्क्रीट डिसाइड नहीं हो पाया। जहां कभी इस फिल्म को एक्टर मिल जाता है तो कभी इसकी एक्ट्रेस क्विट कर जाती हैं। यस, ये आना जाना इस फिल्म की बायोपिक के लिए लगा हुआ है। पहले इस फिल्म में कास्ट हुए थे आमिर खान, जिनके ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा को रोप किया गया था, मगर प्रियंका की डेट्स ना मिलने और बिजी स्केड्यूल के कारण ये फिल्म अधर में लटकी रही। उसके बाद आमिर ने इस फिल्म को ना कह दिया जब प्रियंका तैयार हो गई। आमिर के ना कहने के बाद इस फिल्म के लिए रोप किया गया शाहरुख खान को। वी ऑल नो कि शाहरुख और प्रियंका के पास रिलेशंस रहे हैं। उसके बाद ये दोनों एक साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं कर सकते, तो प्रियंका ने जैसे ही शाहरुख का नाम सुना उन्होंने इस फिल्म से क्विट कर लिया। अब शाहरुख खान के ऑपोजिट करीना कपूर खान को रोप किया गया है। यस, करीना ने काफी ना नुकुर और कभी हाँ और कभी ना के डिलेमा के बाद इस फिल्म को हाँ बोल दिया है। तो इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। राकेश शर्मा की इस बायोपिक को फिलहाल एक टाइटल भी मिल गया है, जो उनके नाम से नहीं बल्कि सल्यूट नाम के टाइटल से कास्ट होगी। होपफुली शाहरुख जब जीरो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही राकेश शर्मा की बायोपिक यानी कि सल्यूट पे काम शुरू हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड एज वी ब्रिंग यू मोर स्टोरी। दिस इज ऑल फ्रॉम मिस कॉकटेल फॉर नाउ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो and subscribe the channel to have every sip of Bollywood cocktail.